This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. सृष्टिकर्ता यीशु पर विश्वास रखेंगे तो वो हमारे संग रहेंगे, समस्या नहीं आएगी। महामारी, अकाल, भूकंप, अंतिम समय की विपत्तियाँ, संकट, दुष्ट मनुष्य, बुरा करने वाले लोग, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, पर तू मत डर। डरने की आवश्यकता क्या है? प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे संग हूँ, तुझे मैंने अकेला नहीं छोड़ा है, तो हिम्मत से रह। ऐसा कहकर प्रभु हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। इधर आओगी? आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। मोबाइल देखोगी? ये वाला गाना तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्यों रही हो? क्या बात हुई? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस लिए? आज के अखबार में स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को कोई अगवा करके ले गया, ऐसी खबर पड़ी। हाँ तो? ठीक वैसे ही मैंने देखा कोई हमारी बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा। ये कैसे कह रहे हो? हम लोग ध्यान रख रहे हैं ना। लेकिन फिर भी ऐसा होना नहीं चाहिए ना। उसके लिए बच्ची को बाहर भेजे बिना उसे अपने पास ही रखो। अब तू सो जाना, जो भी बात है सुबह कर लेंगे। जल्दी आओ ना। अरे आ रही हूँ ना। बाय माँ। हाँ बाय मेरी गुड़िया। संभल के जाना बेटी। हाँ ठीक है माँ। वैन से नीचे उतरते ही क्लास में चली जाना और स्कूल छूटते ही वैन में आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। कोई भी अनजान इंसान अगर तुझे बुलाता है तो उसके पास मत जाना। हाँ ठीक है माँ। बाय माँ। बाय पापा। बाय। अच्छा मैं भी निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। बाइक जरा धीरे चला के जाइए। धीरे ही चलाऊंगा ना। हाँ हाँ। बाय बाय। Hi.
हाय व्यूअर्स, लेडीज अगर भिंडी खाएंगी तो उन्हें थायराइड की समस्या होगी, बी केयरफुल। क्या कहा, भिंडी खाने से थायराइड की समस्या होती है? अरे बाप रे। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ बोल। सुनिए, दोपहर के खाने के लिए मेरे लिए कुछ चाट वगैरह ऑर्डर कर दो। क्यों, तुमने घर में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है ना? वही तो समस्या है। क्या समस्या है? लेडीज को भिंडी खाने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। क्या कहा, भिंडी खाने से थायराइड की समस्या होती है? ये किसने कहा? यूट्यूब में एक डॉक्टर ने बताया। इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है? ये कैसे कह सकते हो? यूट्यूब में हर कोई अपनी बात करता रहता है, तू उनकी सारी वीडियो देखेगी क्या? आपको तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना, मेरे लिए ऑर्डर कर दो ना। हर बात के लिए डरेगी तो जी नहीं पाएगी, फोन रख। तब तो आज खाए बिना ही रहना होगा। डर लगेगा, लेकिन हर बात से डरती है तो ये ठीक नहीं है। ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ डॉक्टर। आप किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाएं, वहाँ पर उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी या फिर कुछ दवाई देंगे, उन्हें खाने से ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम ऐसे ही मत छोड़ो, एंड बुरा होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? इसलिए कि मेरे कजिन की वाइफ बिल्कुल ऐसी ही थी, हर बात पे डरने लगती और एक दिन आत्महत्या करके वो मर गई। क्या? इसलिए केयरलेस मत रहना। आजकल बीमारी से मरने वालों से भी डर के मारे मरने वाले बहुत लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये प्रॉब्लम ऐसे ही मत छोड़ो, एंड बुरा होता है। आजकल बीमारी से मरने वालों से भी डर के मारे मरने वाले बहुत लोग हैं। ओ, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ? मुझे जो डर था वही हो गया। ये क्या कह रही है? हमारी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। हाँ? वैन ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है। मिस को फोन लगाया? हाँ लगाया था, लेकिन बिजी आ रहा है। मैंने कितना समझाया, मेरी नहीं मानी। ठीक है चल, उसे ढूंढते हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं, जब मैं आ रहा था तब भी भीड़ लगी थी। ओहो, मेरी बच्ची के साथ लगता है कुछ हुआ है। तुम ये क्या करने जा रही थी? आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। हटो हटो, एक मिनट। मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहल्ले में सब मुझसे नफरत करते हैं, जहाँ काम करती हूँ वहाँ मुझे धमकी देते हैं, मेरा दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है, बहुत डर लग रहा है। उसके लिए तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? रोज रोज डर के जीने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊं। ये जो कह रही है वो भी ठीक ही है ना, इसकी मदद करने वाला कौन है? होने से भी क्या होगा आंटी, हर दुनिया में जो भी देखती है सुनती है इन सबको देखकर बहुत ज्यादा डर रही है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस दुनिया के बारे में तू क्या जाने, तू बच्ची है। मैं भले ही छोटी बच्ची हूँ लेकिन शेरनी की तरह हिम्मत रखती हूँ। वो कैसे बेटी? हमारे संडे स्कूल की टीचर। आज के जमाने में इंसान जो देखता है सुनता है मिलता है ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु तू मत डर कह रहे हैं। डर के बिना कैसे जी पाएंगे? इसी के लिए प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तू मत डर। ये बात है, हमारे सृष्टिकर्ता हमारे संग रहते हैं। हाँ,
सृष्टिकर्ता यीशु पर विश्वास रखने से वो हमारे संग रहते हैं। यीशु हमारे संग रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी और हम शेर की तरह हिम्मत से रह सकते हैं। आप मत डरो आंटी। सृष्टिकर्ता यीशु पर हम विश्वास रखेंगे तो वो हमारे संग रहेंगे। उनके संग रहने से समस्या नहीं आएगी। और हम शेर की तरह हिम्मत से रह सकते हैं। क्या कहा तूने? सृष्टिकर्ता यीशु पर विश्वास रखेंगे तो वो हमारे संग रहेंगे। समस्या नहीं आएगी। और फिर? और हम शेर की तरह हिम्मत से रह सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से फिर से नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। हम एक नए वर्ष में आ चुके हैं। प्रभु ने जो वचन दिया वो आपको याद है ना? प्रभु ने क्या कहा है? यशाया 41वां अध्याय 10वां वचन, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यही है प्रभु का वचन। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तू मत डर, प्रभु का ऐसा कहने का कारण क्या है? डराने वाले कार्य देश में घटित होंगे, हमारे आसपास में होंगे। डराने वाले समाचार हमारे कानों को सुनाई देंगे। हमें डराने वाली सारी क्रियाएं शैतान करेगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं तू मत डर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा प्रभु ने वचन दिया है। तो डर किस बात का? महामारी, अकाल, भूकंप, अंतिम समय की विपत्तियां, संकट, दुष्ट मनुष्य, बुरा करने वाले लोग, ऐसी परिस्थितियां हैं, पर तू मत डर। डरने की आवश्यकता क्या है? प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे संग हूँ, तुझे मैंने अकेला नहीं छोड़ा है, तो हिम्मत से रह। ऐसा कहकर प्रभु हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है। शैतान भूखे शेर की तरह किसे खाऊं सोचकर घूमता रहता है। शैतान शेर की तरह भूखा घूम रहा है, अब क्या करें, ऐसा बोल के लोगों का विश्वास टूटने लगता है। लेकिन वो शेर की तरह है। सच्चा शेर कौन है पता है? यहूदा के गोत्र का सिंह यीशु मसीह। इसलिए धर्मी सिंह के समान हिम्मत से रहेगा, ऐसा वचन कहता है। यीशु के लहू से शुद्ध होने वाले धर्मी कहलाते हैं। तो क्या आप यीशु के लहू से शुद्ध हुए हैं? यीशु आपके हृदय में आ गए हैं तो आप भी धर्मी हैं। तो धर्मी सिंह की तरह धैर्यशाली रहेगा। डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से रहना चाहिए। पवित्र शास्त्र में शिमशोन नाम का, न्यायियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ना, एक बार एक दिन जब वो खेतों से गुजर रहा था तो एक जवान शेर यानी यंग लायन, तो एक जवान शेर ठीक उसके सामने आ गया और उस शेर को देखते ही, अरे बाप रे, शेर आ गया, खा जाएगा, डर के मारे वो कहीं छुपाने पेड़ पे नहीं चढ़ा। पवित्र शास्त्र कहता है एक मेमने की तरह शेर को उसने चीर फाड़ के दूर फेंका और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी एक जवान शेर, बहुत ही तगड़ा, उसे भी चीर के फेंक दिया। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, इसीलिए वो ऐसा कर पाया। तो शिमशोन को वो जवान शेर एक मेमने की तरह दिखाई दिया और उसे चीर कर फेंक कर वो चलता बना। लेकिन आज विश्वासियों को मेमना भी शेर की तरह लगता है। अरे बाप रे, शैतान शेर की तरह है, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा सोचकर हम बस डरते ही रहते हैं। डरने की आवश्यकता क्या है? यहूदा के गोत्र का सिंह मेरे साथ है बोलकर हिम्मत से रहना है, विश्वास रखना है, और विश्वास में बने रहना है, तब आप डरेंगे नहीं बल्कि हिम्मत से रहेंगे। इसलिए ये जो दुष्ट मनुष्य हैं और ये जो दुष्ट कार्य हैं, ये जो विपत्तियां हैं, किसी को भी लेकर आप डरे नहीं, हिम्मत से रहें। आपकी हिम्मत देखकर ही परमेश्वर क्रिया कर पाएंगे, ठीक है? एक बार मेरे एक मित्र ने कहा, समाज में वो इंसान बहुत ही जिद्दी इंसान है। चेन्नई में वो एक क्लब चलाता है जिसमें जुआ खेला जाता है, शराब पिलाई जाती है, ताश खेले जाते हैं, एक तरह का इलीगल बिजनेस। एक गुंडा बनकर ही आप ये सब चला पाएंगे। और वो एक बहुत बड़ा गुंडा था, सब लोग उसके नाम से ही डरते थे और उसी में वो अपनी कमाई किया करता था।
उसकी पत्नी घर में रहती थी। एक जवान लड़की ने जाकर उसकी पत्नी से बात की और यीशु के बारे में बताया। उसकी पत्नी का उद्धार हो गया। उसकी पत्नी प्रार्थना करने लगी। वो जवान लड़की और उसकी पत्नी बैठकर प्रार्थना करने लगे कि मेरे पति ऐसे हैं, उनका काम ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भी उद्धार हो बोल के प्रार्थना करते। एक बार किसी ने बता दिया कि तू तो यहाँ अपना बिजनेस करता है, वहाँ तेरे घर में क्या होता है जाके देख, तेरी पत्नी घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करने लगी है। जैसे ही उसे बताया उसका गुस्सा सातवें आसमान पर। एक बार चुपके से जाके देखूंगा बोलकर जिस दिन घर में उसकी पत्नी और वो लड़की प्रार्थना कर रहे थे उस समय ये वहां पहुंच जाता है। वहां जाके देखता है वो एक जवान लड़की है। वो जवान लड़की बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह, लेकिन उसे जो गुस्सा आया और उसने बच्ची को जो धमकाया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर, तूने ये सब किया, मैं कौन हूँ तुझे पता है, मैं एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मेरा नाम कोई सुन ले तो थर थर कांपने लगता है। लेकिन उस बच्ची ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया और हंसते हंसते जवाब दिया। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरी। ये जानता था कि इसके एरिया में कोई भी नाम लेने से भी डरता है, लेकिन ये बच्ची मेरे सामने खड़ी रहकर भी नहीं डर रही है और कहता है मैं खतरनाक गुंडा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे कौन बचाएगा, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है। मैं क्यों डरूंगी, मैं यहाँ अकेले थोड़ी ना आई हूँ, मैं एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ आई हूँ। सुन के ये भी डर गया कि बड़ी हस्ती, लगता है इस बच्ची की जान पहचान बड़े लोगों से, बड़े बड़े पुलिस वालों से होगी। कौन है बाहर, झांक कर देखता तो बाहर कोई भी नहीं है, तू यहाँ अकेली ही तो आई है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो मेरे अंदर हैं। वो आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु हैं, यीशु मेरे संग हैं, उन्होंने शैतान के सर को कुचला है, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो, मैं उनकी संतान हूँ, वो मेरे हृदय में है, बड़ी हस्ती मेरे संग रहती है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बच्ची ने जैसे ही ये कहा वो एकदम चौंक गया, उसकी बोलती एकदम से बंद सी हो गई। ये बच्ची बड़े ही आराम से ये सब बोलकर वहां से चली गई। ये मन ही मन सोचने लगा ये क्या, मेरा नाम सुनते ही सब कांपने लग जाते हैं, मैं गुंडा हूँ, मेरे सामने कोई बोलता नहीं है, ये बच्ची कैसे ये सब बोलकर गई है, इसके साथ बहुत बड़ी हस्ती है, यीशु है, बोलकर ये चुपचाप चली गई। इसके अंदर एक उलझन सी पैदा हुई और यही है उद्धार पाने का पहला कारण। अब देखिए इसने उद्धार पा लिया, प्रार्थना करता है, सेवकाई करता है। उसने बताया मुझे कि उस बच्ची की बातों ने मेरे मन को छू लिया ब्रदर, बड़ी हस्ती मेरे साथ है, मैं क्यों डरने लगी, मैं किसी गुंडे से नहीं डरती हूँ, हिम्मत से बोल के चली गई। बस फिर क्या, यही है वो अनुभव जो परमेश्वर के संतान को चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती है, हमारी सुरक्षा के लिए करोड़ों स्वर्ग दूतों को रखा हुआ है। यीशु का नाम पुकारते ही करोड़ों स्वर्ग दूत उतर के आ जाएंगे हमारी रक्षा के लिए, तो हमें डरना क्यों, डरना नहीं, शेर की तरह हिम्मत से रहना है। बच्चों की वजह से डर रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों से क्या कहना है, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, यीशु पिता तुम्हारे साथ आ रहे हैं, ऐसा बोल के भेजें। आप अपने बच्चों को डरा धमका के ना भेजें, संभल कर रहने के लिए बोलिए। अनजान लोगों से बात ना करें, अनजान लोगों के हाथों से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, किसी भी मनुष्य के साथ अकेले में बात ना करें, स्कूल छूटते ही सीधे अपने घर आ जाएं। इसी के साथ साथ किसी से डरना नहीं, यीशु तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोल कर भेजें कि यीशु तुम्हारे मन में है, तुम्हारे साथ हैं। प्रार्थना करके भेजें, बच्चों को डरा डरा के तुझे वो ले जाएगा, उठा के ले जाएंगे, इस तरह से डराए नहीं, जितना हो सके बच्चों की हिम्मत बढ़ाएं। यीशु साथ में आ रहे हैं बोलकर, यीशु तुम मेरे साथ आ रहे हो, तुम्हारी स्तुति हो बोलकर जाएं। वैन में साथ में रहेंगे, क्लासरूम में रहेंगे, खेलते समय भी साथ में ही रहेंगे और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, बोलकर ही उन्हें भेजें। उसी तरह पति नौकरी पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरे साथ यीशु आ रहे हैं, उनकी स्तुति करते हुए जाओ, इस तरह से बोलें। आप घर पे जाएं या किसी दुकान पर जाएं, उसके लिए प्रार्थना करके जाएं कि यीशु तुम मेरे संग हो, मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, तुम मेरे संग हो, यीशु से ऐसा बोलते ही रहें, शैतान तुमसे 10 फीट की दूरी पे खड़ा रहेगा। इसलिए डरने की आवश्यकता क्या है, आप मत डरिए, प्रभु ने वचन दे दिया है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सुरक्षा के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचाने के लिए तेरे साथ हूँ, तेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए युद्ध करने के लिए तेरे साथ हूँ, तुझे जय दिलाने के लिए तेरे साथ हूँ, तुझे आशीष देने के लिए साथ हूँ, तेरी उन्नति के लिए तेरे साथ हूँ, तेरे लिए सब कुछ करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर डरना क्यों। इसलिए हिम्मत से बोलिए, यहोवा यीशु मेरे संग हैं। बच्चों में ऐसे रहने की आदत डालें, प्रभु साथ में, यीशु तुम्हारे साथ है कहें, डरने की जरूरत नहीं, तुम आराम से होकर आओ, लेकिन संभल कर रहें, ध्यान से रहें, ये अपने बच्चों को सिखाएं, ठीक है।
अब आप डरे हुए हैं, डर मन से निकल जाना चाहिए ना। हाँ, शेर की तरह हिम्मत से रहना है तो आप प्रार्थना करें। तुम मेरे संग हो, स्तुति करके प्रार्थना करें। अपने हृदय पर हाथ रखें, जिन्हें डर है अपने हृदय पर हाथ रखें। प्रभु तुमने जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा वचन देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तुम मेरे साथ हो, मेरे हृदय में हो। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे संग है, स्तुति हो। शैतान पे जय पाने वाले यीशु मेरे संग है, स्तुति हो। जगत पे जय पाने वाले यीशु मेरे संग है, स्तुति हो। मेरी रक्षा कर मार्गदर्शन करने वाले यीशु मेरे संग है, स्तुति हो। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, हमारे साथ तुम हो, उसके लिए स्तुति हो। हमारी सुरक्षा के लिए करोड़ों स्वर्ग दूत रखे हैं, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं डरूंगा नहीं, भूखे शेर की तरह शैतान भेष बदल कर आएगा तो भी मैं डरूंगा नहीं। यीशु मसीह के नाम से उसका सामना करूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं जय पाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से शैतान को फटकारता हूँ। यीशु मसीह के नाम से डर को फटकारता हूँ। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए चमत्कार करने वाले प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार हो, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, रुकावटें दूर हो जाए, आक्रोश दूर हो। यीशु के नाम से मुझे डराने वाले कार्य दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मुझे डराने वाली बीमारियां, आक्रोश, रुकावटें, विरोध, दुष्ट मनुष्यों की क्रियाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जानी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मुझे जय मिल रही है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। मन से तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम तुम्हें धन्यवाद कहते हैं। परमपिता, तुमने हर एक को बल दिया है। डरने वाले इस बेटे को, बेटी को तुमने धैर्यशाली बना दिया है। तुम्हारा सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। अब डराने वाली दुष्ट आत्मा इनके पास ना आए, उसके लिए प्रेम और सामर्थ्यशाली आत्मा इन्हें प्रदान की है। हर कोई इस सामर्थ्यशाली आत्मा से भर रहा है। ऐसा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। अब यीशु कहाँ हैं? आपके साथ, आपके अंदर हैं। वो कह रहे हैं, मत डर, शैतान का सर कुचलने वाला यीशु तेरे संग है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए शेर की तरह हमेशा हिम्मत से रहो। यहूदा के गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। केवल ये वर्ष ही नहीं, पूरे जीवन भर वो आपके संग रहेंगे। रोजाना स्तुति करते हुए अपना हर कार्य करें। आमेन, आमेन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-45-45. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.